नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है। जनवरी में जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तब से और ज़्यादा लोग मरने लगे हैं। यदि पूरी दुनिया की बात करते हैं तो 15 से 16 करोड़ लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 35 लाख के आसपास मर गए हैं। और यदि भारत की बात करते हैं तो ये प्रभावितों की जो संख्या है 2.5 करोड़ के पार और मृतकों की संख्या 2.75 लाख के पार। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पिछले एक हफ्ते से संक्रमितों की संख्या घट रही है, रिकवरी बढ़ रही है, लेकिन डेथ जो है वो 4000 के आसपास बना हुआ है। 45 तक 100 तक पहुंच गया था लेकिन अभी 4000 के आसपास एवरेज बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब इतनी डेथ नहीं हो रही थी, तो इसका जवाब ये दिया गया कि कोरोना ने म्यूटेट होकर के और इसका जो स्ट्रेन है वो नया वेरिएंट बन गया है, वो बहुत ज़्यादा घातक है। मान लिया बहुत ज़्यादा घातक हो गया, तो क्या वजह है कि पहली लहर में कम लोग मरे और दूसरी लहर में ज़्यादा मर रहे हैं? तो कहा ये जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वैक्सीन आई है वैक्सीन की वजह से कोरोना ने अपना रूप बदल लिया, क्योंकि वैक्सीन क्या करता है, वो एंटीबॉडी तैयार करता है किससे लड़ने के लिए, उस वायरस से लड़ने के लिए, और ये अपना रूप बदल लिया। इसीलिए एक बात ये भी आई कि ये जो वैक्सीन जो भी लग रही हैं वो जो अभी सबसे ज़्यादा भारत में इसका जिसका कहर है B.1.617 उस पर उतना वो कारगर नहीं है। हाल में जिस तरीके से डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हुई है दोनों डोज लेने के बाद, उसके बाद भी इस पर बहस तेज हुई कि क्या कारण हो सकते हैं। तो एक फ्रांस के वैज्ञानिक है, इन्होंने एक सनसनीखेज दावा किया है, ये वायरोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर और काफ़ी अनुभवी हैं, 2008 के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, मतलब कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियत है। इन्होंने जब कोरोना की पहली लहर आई थी तभी बता दिया था कि ये वुहान क्लब में तैयार हुआ है। कैसे तैयार हुआ है उस पर बाद में बात करेंगे, उसका जिक्र बाद में करेंगे, पहले इन्होंने जो दावा किया उसके बारे में बताते हैं। इनका कहना है कि वैक्सीन की वजह से नए वेरिएंट पैदा हुए हैं, और ये तार्किक बात है कि जब वैक्सीन कोरोना को रोकेगी तो कोरोना अपना रूप बदलेगा। क्यों? क्योंकि वो वायरस है, और इस घटना को एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहेंसमेंट बोलते हैं, ADE। तो इन्होंने क्या किया कि एक पियरे वर्नेरियास हैं, उन्होंने होल्डअप के मीडिया के लिए इंटरव्यू लिया है इनका, और अमेरिका के RAIR फाउंडेशन ने इसको ट्रांसलेट किया है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं मोंटेग्नियर कि ये दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट को ये बात पता है कि जो वैक्सीन लग रही है उसकी वजह से नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं और जो बहुत ज़्यादा घातक है, और ये बहुत बड़ा मेडिकल मिस्टेक है, लेकिन सब कोई चुप है, वो चुप नहीं रहेंगे, लिया जाए वो बात करेंगे। और ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये वैक्सीनेशन का ही नतीजा है कि कोरोना का नया वेरिएंट बहुत ज़्यादा घातक होकर के उभरा है। तो क्या फिर वैक्सीनेशन न किया जाए? यदि इनकी माने तो इसका मतलब यही निकल रहा है, लेकिन यदि वैज्ञानिकों से और एक्सपर्ट से बात करते हैं कि तो वो ये बोलते हैं कि ये नया वेरिएंट बनेगा वो बहुत ज़्यादा घातक होगा, वो अपना रूप बदलेगा, इस डर से हम वैक्सीन न लगाएं या न वो ईजाद करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी से महामारी से तो लड़ना ही होगा, इसको सनसनीखेज रूप में नहीं लेना है। उन्होंने एक वैज्ञानिक का जो दावा है उसी रूप में हमें लेना है, उनका ये अपना विचार है। अब बात आते हैं कि जब ये पहली बार मार्च 2020 में जब कहर इसका टूटा था, वैसे तो जनवरी से ही शुरू हो गया था, 2019 से ही इसका कहर शुरू हो गया था, चीन ने और WHO ने छिपाया था, लेकिन अपने देश में मार्च पिछले साल लॉकडाउन लगा था और 30 जनवरी को पहला केस आ गया था, 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला था। तब भी इन्होंने ये कहा था कि वुहान लैब से ये पैदा हुआ वायरस है। किस आधार पर? यूं ही आरोप नहीं लगा रहे हैं, किस आधार पर? तो इनका कहना ये है कि HIV की वैक्सीन बनाते समय चाइना जो है कोरोना वायरस का इस्तेमाल कर रहा था, और जो उसकी वुहान लैब है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, वहाँ से 1800 स्ट्रेन है,
तो इसमें ये क्या कर रहे थे कि इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसकी पुष्टि कैसे होती है, तो इनका कहना ये है जो ये पहले बोल चुके हैं पिछले एक साल पहले कि HIV RNA के टुकड़े में SARS-CoV-2 पाए गए थे और COVID-19 का जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो उसमें ये मिला कि HIV के एलिमेंट थे, मलेरिया के भी एलिमेंट थे। इसका मतलब है कि ये लैब में बना है, यानी कि ये नेचुरल नहीं है। इन्होंने एक साल पहले ये दावा किया था और अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घातक पैदा हो रहे हैं और इसीलिए वो ज़्यादा लोग की जान ले रहे हैं। तब देखते हैं कि इस पे जो है ये सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, ख़ास तौर से जो RARR फाउंडेशन ने जो ट्रांसलेट किया है वो इनका इंटरव्यू काफ़ी वायरल हो रहा है कि इस पे जो है एक्सपर्ट्स और डॉक्टर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बहरहाल इन्होंने जो दावा किया था वो हूबहू हमने आपके सामने रख दिया और